शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 16 अप्रैल 2024 के साकार मथुर महावाक्य है। आज की मथुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत प्यार से कह रहे हैं कि तुम बच्चों को बहुत बहुत निरंकारी बनना है, जरा भी अहंकार ना हो, निर्मांचित बनो तो बाप जैसी महिमा आपकी भी होने लगेगी। जैसे बाबा गुणों का सागर है, सब उनकी महिमा करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी महिमा योग्य बन जाएंगे। जरा भी किसी के लिए दुश्मनी का भाव ना हो। अगर अंदर दुश्मनी का भाव है तो ऊंच नीच का भेदभाव बुद्धि में उत्पन्न होने लगता है। बाबा प्यार से कहते हैं बच्चों को कि तुम बच्चों को निरमांचित बनना है, निरंकारी बनना है। पारसपुरी में जाना है तो पारसनाथ बाप को बहुत प्यार से याद करो। बाबा पारसनाथ है, सतो प्रधान बनाने के लिए आए हैं। सतो प्रधान बनना है तो बाबा को याद करना है। बाबा ने आकर के विष्णु किसे कहते हैं, अलंकार क्यों है, इनका अर्थ भी समझाया। शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये संगम के ब्राह्मणों के अलंकार हैं। विष्णु को दिखा दिए चतुर्भुज क्यों है, दो भुजा श्री लक्ष्मी की, दो श्री नारायण की। तुम बच्चों को सेवा करते हुए बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। जब आप सेवा करते हो बहुत होशियारी से ज्ञान की बातें औरों को समझाओ। बाबा बच्चों को घर ले जाने के लिए आए हैं, अब वापस घर जाना है तो देह और दुनिया से बुद्धि हटा लेनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। क्वेश्चन है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से महिमा योग्य बन जाएंगे? तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से महिमा योग्य बन जाएंगे? बहुत बहुत निर्मांचित बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र हैं तो मान है, अपवित्र हैं तो सबको माथा टेकते हैं। बहुत बहुत निर्मांचित बनो। किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र हैं तो मान है, अपवित्र हैं तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते, बाप भी समझते हैं, हम इन बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चों को समझाया गया। भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेकानेक चित्र बना देते, जैसे नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं, उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं, चार दरवाजे हैं, चार मूर्तियां हैं, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली भी कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को कहेंगे। मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं, पारसनाथ आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। तो पहले पहले उनको समझाना है, ऊंचे से ऊंचा है भगवान, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं, पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु चतुर्भुज चार भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाबा समझाते, ये लक्ष्मी नारायण है, इनको इकट्ठा विष्णु रूप में दिखाया है। ये प्रतीकात्मक है, दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा श्री नारायण की। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग हैं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को चार भुजाएं दी, दोनों को मिलाकर
चतुर्भुज कर दिया। बाकी ऐसा कोई होता नहीं, मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वो है सूक्ष्म वतन का। चतुर्भुज को शंख, चक्र, गदा, पदम देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों को है। बाबा ने बताया कि आप ब्राह्मणों के अलंकार हैं, आप ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, कमल पुष्प समान पवित्र रहते हो, ज्ञान योग की गदा से अपनी बुराइयों को भगाते हो। इसी तरह से बाबा ने कहा जो शंख है ये ज्ञान ध्वनि का प्रतीक है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते, पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते, बाबा एक एक बात अच्छी तरह से समझाते। ऐसा कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके, जानते ही नहीं, ये तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता शिव बाबा को, है तो एक ही परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे, बाबा कहते मैं अब तुम बच्चों को इन बातों का राज समझाता हूँ। सुप्रीम सोल निराकार परम पिता परमात्मा है। आत्मा शरीर द्वारा कहती ओ परम पिता, उनकी फिर महिमा भी है, ज्ञान सागर, सुख सागर, प्रेम सागर। भक्ति में अनेक चित्र है, ज्ञान मार्ग में ज्ञान सागर एक ही है, वही पतित पावन है, सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ऊंचते ऊंच परमात्मा है, उनके लिए गायन है सिमर सिमर सुख पाओ। क्या कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, जितना सिमरण करते हैं, याद करते हैं, उतना सुख मिलता है। अर्थात एक बाप को याद करो, सिमरण करते रहो तो कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना, बाप से ये सुख का वर्षा मिलता, अकेले ये तो नहीं पाएंगे, जरूर राजधानी होगी ना, गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सत्यों में राजा रानी प्रजा सब होते हैं, तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुख मिलता है। अब वो स्थापना हो जाती तो चीची आत्माएं सजाएं खाकर वापस चली जाती, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी, इतनी सब आत्माएं आएंगी फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। ये बुद्धि में रहना चाहिए, ऊपर से हम कैसे नीचे आते हैं। ऐसे तो नहीं कि दो पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आने चाहिए, नहीं, कायदे सिर पत्ते निकलते हैं। ये बहुत बड़ा झाड़ है, दिखाते एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती, पहले समझाना है ऊंचते ऊंच भगवान। पतित पावन दुख हरता सुख करता वही है, जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते, दुख देने वाला है रावण। मनुष्यों को मालूम ही नहीं कि बाप आए हैं जो आकर समझे, उन्हें पता ही नहीं कि बाबा आए हुए हैं। अगर पता चल जाए तो वो जरूर आके समझे, बहुत तो समझते समझते थिरक जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जैसे स्नान करते करते पांव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता। बाबा तो अनुभवी है, ये तो विषय सागर है, बाबा तुम्हें क्षीर सागर की तरफ ले जाते, परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को हप कर लेती है, जीते जी बाप की गोद में मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं। कई जीते जी बाबा को नहीं पहचान पाते और छोड़ के चले जाते हैं, रावण की गोद में चले जाते, जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते, अर्थात मर पड़ते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, ऊंचते ऊंच बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं, बड़े तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहाँ चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा, परंतु ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ये भक्ति मार्ग के चित्र हैं, अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है, भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं, स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाएंगी। अब बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण, दो रूप हैं चतुर्भुज के, लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा, लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर बात एक ही है, इन दोनों का ज्ञान किसी को भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे, ये पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक हैं,
तो विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। बोलो ये है गीता। ज्ञान समझाते बाबा कि बाबा ही आकर सत्य गीता ज्ञान देते हैं। अब एक कलयुग की दुनिया का अंत, इसको कहते हैं आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने 84 जन्म लिए, जन्म पुनर्जन्म में तो आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते तब बाबा को आना होता पहले नंबर में। एक की बात नहीं, इनकी तो सारी राजधानी थी, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए, अब सांवरे से गोरा कैसे बने? बाप समझाते, श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनको 84 जन्म के बाद फिर ये बनना है, तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाबा आकर प्रवेश करते हैं। वही आत्मा जो सत्ययुग में प्रथम जन्म में श्री कृष्ण थी, जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट में प्रजापिता ब्रह्मा बन जाती, फिर सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं, जरूर उनको शिव ने ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, वो है ज्ञान सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। वो सबके दुख हरने वाला है, वहाँ तो सुख देने बाप तो सुख देने वाले हैं। ये कांटों का जंगल, बाबा आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। तो ये ईश्वरी यूनिवर्सिटी ठहरी, एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं, निर्वृत्ति मार्ग वाले अनेक हठ योग करते हैं, वो राजयोग नहीं सिखाते। जो सन्यासी हैं वो हठ योग सिखाते हैं, राजयोग सिखा नहीं सकते। बाप का है ही एक प्रकार का योग, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है, पावन बनना है, एक बाप को याद करो। भक्ति में गाते थे, आप आएंगे तुम और संग तोड़, एक आप संग जोड़ेंगे। तो जरूर उनसे वर्षा मिला था। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नर्क, रावण राज्य शुरू होता, ऐसे से समझाना है। अपने को देह नहीं आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है, आत्मा में सारा पार्ट नूंधा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते उनका कितना मान होता, सब माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पर ऊंच नीच बनते, देवताएं हैं बिल्कुल ऊंच। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते, फिर दूसरा जन्म विकार से लेते। देवताएं होते सतयुग में, अब तुम पढ़ते हो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते क्योंकि धारणा नहीं होती। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं, तो बाप क्या करे? बाप यदि सबको आशीर्वाद करे तो सभी स्कॉलरशिप ले लें, वो तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं। सन्यासी भी ऐसे करते हैं, उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा हो आशीर्वाद करो। अच्छा तुम्हें बच्चा होगा, बच्ची हुई? कहेंगे भाभी। बच्चा हुआ तो वाह वाह करके चरणों में गिरते रहते हैं। अच्छा अगर फिर मरा तो रोना पीटना, गुरु को गाली देना शुरू कर देते। गुरु कहेंगे ये तो भाभी थी, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, कोई मरे हुए से जिंदा हो जाते, ये भी भाभी कहेंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है, आत्मा कहीं छिप जाती है। डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मरा पड़ा है फिर जिंदा हो जाता है, चिता पर चढ़े हुए उठ पड़ते। कोई एक ने किसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते। तुम बच्चों को बहुत बहुत निर्मांचित होकर चलना है, अभिमान से मुक्त रहना है, विनम्र होकर रहना है, अहंकार जरा भी ना हो। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया दुश्मनी बढ़ी। बहुत मीठा होकर चलना है, नेपाल में आवाज निकलेगा। अब तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं, नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाएं, बड़े बड़े जाग जाएं।
सभा में बैठ सुनाए, उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए, कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे, भारत का राजयोग ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखा नहीं सकता, ऐसे कोई अभी तक निकला नहीं, ऐसे कोई अच्छे ओहदे पर होते हैं और ज्ञान की महिमा करते हैं, शिव बाबा की महिमा करते हैं, तो उनका आवाज़ सब सुनते हैं। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है, फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए, सर्विस करने की युक्ति बाबा सिखाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे चलाई होगी, ड्रामा में नूंद है, प्रश्न नहीं उठ सकता ऐसा क्यों, ड्रामानुसार जो समझाना था वो समझाया, समझाता रहता हूँ ताकि लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो, पहले मन मनावो हो जाओ, बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार चमत्कारी बनना है, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार चमत्कारी बनना है, धारणा कर फिर दूसरों को करानी है, पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है, किसी भी बात में जरा अहंकार नहीं दिखाना, बहुत बहुत मीठा निर्मांचित बनना है, माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। अटेंशन से सुनेंगे, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार चमत्कारी बनना है, धारणा कर फिर दूसरों को करानी है, पढ़ाई से अपनी तकदीर आप ही बनानी है, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना, बहुत बहुत मीठा निर्मांचित बनना है, माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। वरदान है बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पासविद ऑनर भव, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पासविद ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पासविद ऑनर बनकर हर संकल्प समय को पास करो, पासविद ऑनर बनकर हर संकल्प समय को पास करो, अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले, बीती इतनी अच्छी बीती हो याद में, सेवाओं में, अच्छे अनुभवों में कि उसे याद करते दिल से वाह वाह निकले, अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे, आपका गायन करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पासविद ऑनर बनकर हर संकल्प समय को पास करो, बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले, अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन कीर्ति गाते रहेंगे। स्लोगन है स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ तो विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। आज हम सब याद रखेंगे बीती सो बीती, मैं पासविद ऑनर आत्मा हूँ। हमारी बीती वरदान बन जाए, बीती बात को याद कर बीती हुई स्टोरी से सब पाठ सीखे। वक्त तो पास होना ही है, किस विधि से पास किया वो यादगार बन जाता है। आज तक
जो कुछ अच्छा हुआ उसको भी प्रभु के आगे अर्पण कर दें। आगे के लिए भी दृढ़ संकल्प करें, मैं पास विद ऑनर आत्मा हूं, बाबा के स्वरूप को देखते बाबा से आती हुई ये पवित्र किरणें मुझे शक्ति प्रदान कर रही हैं। परमात्मा शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। मैं पासवी दोनर आत्मा हूं। आज का व्यक्त ज्ञान मोती बहुत विशेष है, सभी भाई बहने जरूर सुने। अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।